हेलो गाइस, स्वागत है स्मार्ट भोला कार सर्विस में आप लोग का। दोस्तों ये क्रेटा गाड़ी है जिसमें कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये TPMS का लाइट जल रहा है। ये जलता क्यों है दोस्तों ये इसलिए जलता है क्योंकि किसी टायर में हवा का प्रेशर कम हो जाने से ये ऑन हो जाता है लाइट, है ना। और दूसरी बात ये कि कभी पंचर हो जाए या कील घुस जाए उसके कारण हवा निकल जाता है टायर से, उसके वजह से ये चालू हो जा ऑन हो जाता है। और कभी कभी कोई कस्टमर स्टेपनी को लगा देते हैं तो ये मॉनिटरिंग नहीं कर पाता है सेंसर को, है ना, TPMS सेंसर जो होता है उसको मॉनिटरिंग नहीं कर पाते हैं, जिसके वजह से ये लाइट जलता है। दोस्तों आइए इसको हटाने का तरीका बता रहा हूँ मैं आपको, है ना। जैसा कि आप देख रहे हैं हम लोगों ने ये टेप लगा लिया है गाड़ी में, ये है ना, स्कैनर लगा चुका है। और इसको कंटिन्यू करता हूँ मैं, आपको तरीका बता रहा हूँ कि लाइट को कैसे हटाना है। अब जाएंगे SW मैनेजमेंट में, ये जैसा कि देख रहे हैं ये इंटीग्रेटेड बॉडी कंट्रोल यूनिट TPMS, इसमें हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये देख रहे हैं व्हील सेंसर ID रेटिंग, ये देखिए इसको क्लिक किए हम, ये इस तरह से कुछ इंटरफेस आएगा आपके सामने, है ना। ओके कीजिएगा, गाड़ी बंद रखिएगा, है ना। ये इस तरह से आएगा, ये ओके, ये ओके कर दीजिएगा, ये रेडिंग। आप देखेंगे ये लाइट हमारा हट चुका है, है ना। और यहाँ पे ये सक्सेसफुल भी दिखा दे रहे हैं, ये हमारा टायर प्रेशर लाइट हट गया है दोस्तों।